भगवान के दर पे आमंत्रण मिलने पे जाएंगे? कैसे सनातनी है आप, कैसे मूर्ख सनातनी है आप, है मतलब वो तुष्टिकरण की राजनीति में आप मजार पे जाकर के, मैं खुल के बोलता हूँ, आप खेला तो उल्टा हो गया ना। हाँ, जो सोच रहे थे कि हम लाठी से बंदूक से विधायक तोड़ लेंगे और अपनी हम तेजस्वी की सरकार बना लेंगे, वो चीज नहीं होने वाली है। अब सरकार उसी की रहेगी जो विकास का काम करेगा। लोग बड़ा बोलते रहते हैं कि पकौड़ा तल रहे हैं ये, भैया मैकडोनल्ड में या जोमेटो में से मंगा के जो बर्गर पिज्जा खाते हो तो वो भी तो वही चीज है ना। बहुत हो गई पप्पुओं की भरमार, फिर से एक बार मोदी सरकार। अगर आप पप्पू की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर बना तो बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, छोटे छोटे लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? इस बार 400 पार फिर से मोदी सरकार, हम 2024 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम 2029 की तैयारी कर रहे हैं। अभी इनसे आप सवाल पूछे कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उसमें सब बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, उद्योगपति को बुलाया गया, फिल्म हस्ती को बुलाया गया। कारगिल का जमान जो है जिंदाबाद रहना चाहिए, जो कारगिल में माइके लाल लड़ता है उनका भ्रमजाल टूट गया, उनकी पार्टी को तो बर्बाद करने में लगे हुए थे। लोग बड़ा कह रहे थे आरसीपी बाबू पार्टी तोड़ रहे हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं, हम नेता है ना, अब आप ही इनके हिसाब से हम नेता है, हमको आमंत्रण मिलना चाहिए था, हम इनके लिए हम बड़े हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। दोस्तों अभी हम पटना जंक्शन पर है और सबसे बड़ा मुद्दा आज की 2024 में लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है और ये भी खबरें सामने बार बार आती है, देख भी रहे हैं आप लोग सोशल मीडिया पर कि नीतीश कुमार बार बार पलटी मार रहे हैं। अभी मेरे साथ भाजपा नेता, बिहार के भाजपा नेता शैलेंद्र चौधरी, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बार बार नीतीश कुमार पलट जा रहे हैं, क्या मामला ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए भ्रम जाल जब फैलता है ना, बहुत से लोग होते हैं, कितने भी अच्छे लोग हो, चाहे हम हो आप हो, बहुत लोग भ्रम जाल में फैल जाते हैं। तो माँ ठगबंधन का जो भ्रम जाल था ना उसमें वो चले गए थे, लेकिन जब भ्रम टूटा तो वो वापस आ गए, क्योंकि उनको पता था कि जंगल राज को समाप्त करना है, करप्शन को समाप्त करना है। क्योंकि ये जो बार बार बोले यार नौकरी उसमें सब, उसमें बहुत लोगों से खबर आ रही थी कि भाई डिमांड हो रहा था पैसे का, तो वो सबको खत्म करने का था। तो उनको भी लगा कि भाई अब अच्छा कहाँ है, कहाँ पे विकास हो सकता है, कहाँ पे विनाश नहीं हो सकता है। विनाश का इसलिए बात बोलता हूँ क्योंकि अगर कोई रोजगार नौकरी की बात करता है, पैसा देके रोजगार की बात करता है, तो फिर वो तो माटक बंधन में होता है। वही नीतीश चाचा जो बोले थे कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी पे नहीं जाएंगे, देखा मैंने तो वही बात बोला ना, जब भ्रम फैलता है लोग कुछ भी बोलते हैं, भ्रम टूटता है तो सब चीज सही हो गया ना, वो समझ गए ना कि मैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के साथ ही चल सकता हूँ, क्योंकि वहां पे ही सही कार्य होता है। राम राज्य का जो परिकल्पना लेके चलते हैं लोग, वो राम राज्य का कार्य वही होता है, गरीबों का उत्थान वही होता है, क्योंकि हम लोग निचले पायदान तक लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं ना अन्न, क्योंकि कोरोना काल से दे रहे हैं, सोचिए आप मुफ्त में दे रहे हैं। लेकिन जब ये महागठबंधन की सरकार थी इन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन ये फिर से चालू हो गया। अभी देखिए हमारे डिप्टी सीएम माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने भी डिप्टी सीएम का पद ग्रहण किया और लगभग 35,000 रोजगार का सृजन कर 94 लाख रोजगार देने का वादा कर दिए हैं सनार चौधरी। 94 लाख जो भी रिक्तियां, देखिये रोजगार का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि हम सिर्फ सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार का मतलब ये होता है कि सरकारी नौकरी के साथ साथ लोगों के जो अपने जो यापन करना है कि कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे अपने घरवार को चलाना है, उसका जो जो पूरा विचार करेंगे, वो कैसे मिले लोगों को वो देखेंगे ना। रोजगार का मतलब थोड़ा ही होता है कि सरकारी नौकरी सिर्फ मिल जाए, हमको तो रोजगार मिल गया, वैसा कुछ नहीं होता। आज मीडिया पे आप काम कर रहे हैं ना, ये भी तो एक रोजगार है। लोग बड़ा बोलते रहते हैं कि पकौड़ा तल रहे हैं ये, भैया मैकडोनल्ड में या जोमेटो में से मंगा के जो बर्गर पिज्जा खाते हो तो वो भी तो वही चीज है ना। हाँ, समझ में तो आता नहीं है कुछ, बस पप्पू की बात पे चलने लगते हैं। तो आज अब वो सीधी बात हो गई है, बहुत हो गई पप्पुओं की भरमार, फिर से एक बार मोदी सरकार। अगर आप पप्पू की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर बना तो बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, छोटे छोटे लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया, इस पर क्या कहिएगा? अच्छा एक बात बताइए, छोटा लोग कौन है और बड़ा लोग कौन है? छोटा लोग और बड़ा लोग को आम आदमी को नहीं, अंबानी को बुलाया गया, अमिताभ बच्चन को बुलाया गया। आम आदमी के लिए तो खुद प्रधानमंत्री ने अपना, प्रधान सेवक ने जब अपना, जबकि उसके वो कुछ नहीं, खुद उनको निमंत्रण आमंत्रण मिला था तो वो आया था। और भगवान के दर पे आमंत्रण मिलने पे जाएंगे? कैसे सनातनी है आप, कैसे मूर्ख सनातनी है आप, है मतलब वो तुष्टिकरण की राजनीति में आप मजार पे जाकर के, मैं खुल के बोलता हूँ, आप मजार पे जाकर के आप चादर ओढ़ा करके सारा चीज करेंगे, रोजा रख करेंगे। रोजा का मतलब क्या होता है? हाँ, जाकर इस्लाम में पढ़िए कुरान में, आप रोजा का मतलब होता है जो इफ्तार, रोजा इफ्तार करते हैं ना, तो आप जाके इफ्तार कर लीजिएगा, रोजा रख में रखिएगा, मतलब आप उपवास किए नहीं, अब बाद में उपवास तोड़ रहे हैं, जो भी नवरात्र में उपवास रखते हैं तो उपवास करेंगे या उपवास तोड़ लिए, तो थोड़ी जलता है।
तो ये महामूर्ख सनातनी अपने आप को जो कहते हैं ना सनातनी जनऊ छाप पंडित है नहीं है, फिर राहुल गांधी है फारसी खानदान से आए हुए, तो इनकी बातों पे हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, ऐसे भी जनता इनको पप्पू कहती है। पप्पू क्यों कहती है? बात ही है वो तो बताता है, वही तो चीज है पप्पू इसीलिए कहती है ना क्योंकि वो जानकारी अब आलू से सोना उगाते हैं। आज पूरा देश का जो आबादी है वो 140 करोड़ रुपया बताते हैं, रुपये में आबादी होती है क्या? कल वो बोल रहे थे क्या कि जैसे स्विच दबाओगे अंबानी को पैसा जाएगा, भैया हर चीज को अंबानी में पैसा जाता है क्या? मोबाइल का फोटो क्लिक, तो ये तो कॉमेडी शो करते हैं ना, तो पप्पू इसीलिए लोग करते हैं। पप्पू का मतलब क्या होता है? जो खसाए लोगों को, तो वही है मतलब, वही है पप्पू का, तो पप्पू इसीलिए कहती है लोग। सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है नीतीश यादव फिर से एक बार पलटी मारने वाले, नहीं मार, कितनी सच्चाई है? नहीं मारेंगे, आपको क्या गारंटी कि नहीं मारेंगे? जब भ्रमजाल टूट जाता है, जब भ्रमजाल टूट जाता है तो सारे चीजें खत्म हो जाती है। उनका भ्रमजाल टूट गया, उनकी पार्टी को तो बर्बाद करने पे लगे हुए थे लोग, बड़ा कह रहे थे आरसीपी बाबू पार्टी तोड़ रहे हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं, पार्टी तो उनके जो खुद के लोग थे माठक बंधन माले राजद वाले वो तोड़ रहे थे, और ऐसा खेला हो गया कि विश्वास मत में उनके 3 विधायक हमारे साथ में आ गए। सोचिए आप, उनका तो मनोभाव जाग गया ना, क्या हो गया? सारा का सारा खेला हो गया तो खेला तो उल्टा हो गया ना। जो सोच रहे थे कि हम लाठी से बंदूक से विधायक तोड़ लेंगे और अपनी हम तेजस्वी की सरकार बना लेंगे, वो चीज नहीं होने वाली है। अब सरकार उसी की रहेगी जो विकास का काम करेगा, बिहार को प्रगति की ओर ले जाएगा, क्योंकि बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो थोड़ी बहुत उलट पुलट की स्थिति थी उसको खत्म करने की स्थिति में हम लोग आ चुके हैं और हम लोग अब काम करने पे लगे हुए हैं। यादव तो बोले ना कि 10 लाख नौकरियां मैंने दी है। अरे भैया 10 लाख नौकरियां दी, उस वही तो भ्रम फैलाया था उन्होंने, 10 लाख नौकरियां कहाँ दिया बताइए। तो कुछ प्रशस्ती पत्र जो दिए गए थे वो पुराने काम करने वालों को दिया गया था, जो काम पहले से करे, तो यही सब तो भ्रम था ना, यही सब भ्रम को देख करके नीतीश कुमार सोचे क्या कि हमारा जो है रेपुटेशन खराब, रेपुटेशन खराब हो रहा है, तो उस रेपुटेशन को ठीक करने के लिए वो अब वापस एनडीए में आ गए, अपना रेपुटेशन ठीक करने के लिए आ गए, क्योंकि उनको पता है कि विकास और जो रोजगार है सिर्फ और सिर्फ भाजपा के साथ सहयोग। बोले हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। हाँ तो रहेंगे ना, रहेंगे, यही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, और इस बार निश्चिंत है। ऐसे भी उन्होंने बोला ही है पिछली चुनाव में कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और अभी तो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में तो कुछ वैसा कुछ है नहीं। किसकी सरकार बनेगी लोकसभा चुनाव में? अगली बार 400 पार से मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। हम 2024 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम 2029 की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव तो 2024 का भी करंट में है ना, 2024 का चुनाव जनता ने जिता दिया है, जिता दिया। हम मान चुके हैं जिता दिया। आप देख लीजिएगा 400 से ज्यादा सीटें आएगी। जो काम हुआ है आज, एक चीज लिए आप लोग, जब सब लोग बोलते हैं जाति देखते हैं धर्म देखते हैं, भैया जनधन दिया अकाउंट किसके, कितने लोगों पर अकाउंट था, किसान सम्मान, बड़ा लोग बोलते रहते हैं किसानों को, और हमेशा किसान नेता का पैदा लेते हैं इलेक्शन से पहले, जैसे इलेक्शन आएगा बड़का बड़का फंड आएगा बाहर से, और उसी फंड पे पिछले बार लगभग 300 एनजीओ को बैंड हुआ था ना, फिर कितने लोग बती हुए थे। ये क्या है ना, जो बड़े बड़े नेता है ना वो इसी में बैठे रहते हैं, और गरीब जो किसान है बेचारे उनको दौड़ाने के लिए मारने के लिए वो लोग उनको हथियार बना लेते हैं। तो इस बार जनता भी हथियार नहीं बनने वाली, किसान भी हथियार नहीं बनने वाले, ये नेता खुद हथियार बने और खुद करे मरे। क्या लगता है आने वाले दिनों में हर स्टेट में बीजेपी की सरकार होने वाली है? बिल्कुल, ये सन आपको क्या है, आप देखिए छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 22 जनवरी को रामलला विराजमान हुए, सनातनियों का यहाँ पे बहुत, बिहार में जो पिछली माठक बंधन की सरकार थी सनातनियों का बहुत अपमान हो रहा था, चाहे विष्णुपद मंदिर हो चाहे कहीं पे भी हो, बहुत जो जंगल राज कहते हैं जंगल राज में निरी पशुओं को मारा जाता है, तो यहाँ निरी जनता को मारा जा रहा था। तो राम राज लाने के लिए जैसे रामलला की स्थापना का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तैसे चौथे 4-5 दिन में सरकार बदल गई, तो, और जैसे सरकार बदली हमारा फिर से काम शुरू हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि जब चुनाव आता है तभी बहुत कुछ मोदी उद्घाटन करते हैं, क्या चुनावी मुद्दा है? अच्छा एक बात बताइए, उद्घाटन पहले जैसे राम मंदिर का एक उदाहरण दे देते हैं, पहले लोग बोलते थे कि आप भी बार बार ये बोलते हैं कि राम मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर डेट तारीख नहीं बताया, भैया हमने तारीख भी बना बता दी, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया, सब चीज कर दिया, और आप बोलते हैं क्या कि पहले उसी समय उद्घाटन करते हैं, क्यों उद्घाटन? अब जिस समय हमारा शुभ मुहूर्त होगा हम उसी समय उद्घाटन करेंगे ना, शुभ मुहूर्त में उद्घाटन हुआ ना,
शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई ना, तो हमारा जो शुभ मुहूर्त होता है हम उसी में काम करते हैं। और शुभ मुहूर्त में जब काम होता है, बड़े बड़े कहा चले गए हैं कि जो देश अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़ देता है वह देश विनाश की हो जाता है। आप देख लीजिए पाकिस्तान को, आप देख लीजिए बांग्लादेश को, आप देख लीजिए श्रीलंका को, उसने सनातन धर्म को छोड़ा, आज गर्त की ओर जा रहा है। एक एक रुपये के लिए, आटे तक के लिए तरस रहा है वो। आज हमारा देश तो सब विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। आज मुस्लिम देशों में आप देखिए, अबू धाबी में पूर्ण रूपेण हिंदू मंदिर बना, एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बना लगभग। तो आप सोच लीजिए ना ये चीज, कि जो कहते हैं ना कि सेकुलर 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 वर्ड, ये होता है कि एक मुस्लिम राष्ट्र में एक हिंदू मंदिर बनता है। और जहाँ पे पहले ये कहा जाता था कि तुम हाथ में कलावा या धागा या कोई भी ओम का उच्चारण या कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करोगे तो हम तुम पे पत्थर बरसाएंगे, आज मंदिर बना हुआ है। तो ये होता है सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म नहीं होता है कि हम कुछ किए नहीं, रोजा रखे नहीं, या इफ्तार में चले गए खाने के लिए। मतलब यही है, तुष्टिकरण नहीं चलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का संस्कृति चलेगी, क्योंकि धर्म एक है, बाकी सब पंथ और समुदाय है। क्या लगता है सर, 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो देख लिए हैं कि इनको राज में जो है, जो जो नौकरिया हुए हैं उनको पिलसिन बंद, कारगिल का जमान जो है जिंदाबाद रहना चाहिए। जो कारगिल में मायके लाल लड़ता है पाकिस्तान से, चाहे जो भी जगह से, चाइना से, जहां से लड़े, मायके लाल जो है आर्मी सीआरपी जो भी है जवान लड़ रहे हैं, उनको लिए नया नौकरिया को पिलसिन बंद, और अन्य नौकरिया जो है उसको भी पिलसिन बंद। महंगाई सरंग में छुप रहा है। आर्मी का कोई सुनिए, एक सवाल है, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, जो मैंने ये बताया आर्मी पिलसिन तो बंद है, नया जो नौकरिया हुआ उसको पिलसिन बंद है। तो मैं के साथ कहता हूँ कि मेरे पूरे खानदान है, मेरे पिताजी को एक्स सर्विसमैन है और आज तक पेंशन उठा रहे हैं। और महंगाई आगे है भैया, आर्मी है, 9 साल से न धंधा है न रोजगार है, खाली बोल रहे हैं ये कि 9 साल से कोई धंधा रोजगार नहीं है। क्या कहिए, क्या नहीं धंधा रोजगार नहीं है? पीपीएफ का जो डाटा है, जो अपना होता है पीपीएफ का, पीएफ का जो डाटा होता है उसमें लगभग 3 करोड़ लोगों का नया अंशदान आया। और पीपीएफ का डाटा का आंकड़ा कहता है कि कम से कम 15,000 की सैलरी होगी तभी अंशदान आएगा। अगर 3 करोड़ बढ़ा तो रोजगार नहीं बढ़ा है? आइए सुनिए, एक मिनट सुनिए। इन लोगों के अंदर बहुत बड़ा कलाकारी है। अभी इनसे आप सवाल पूछे कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उसमें सब बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, उद्योगपति को बुलाया गया, फिल्म हस्ती को बुलाया गया, गरीब लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? कहां बात को मोड़ दिए? देखिए ये ले गए, उनसे पूछिए क्या बोल रहे हैं, बोले हजार पर राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए, एक से आप पहले सुनिए, सवाल का जवाब सुनिए। राम मंदिर के लिए जिसने, जिस हम लोगों ने जो बलिदान दिया था, जो राम मंदिर का बलिदान दिया था, उनके घर में जाकर पूछिए आप कि उनको आमंत्रण मिला? उससे बड़ा कोई हिंदू है क्या जो उनको आमंत्रण मिला कि नहीं, जिसने बलिदान दिया था? जो राम, जो कार से, जो कार से, जो कार से वक्त थे, उससे ज्यादा गरीब कोई था क्या? एक पत्थर लेके गया हुआ था, उसके आमंत्रण किया कि नहीं, पहले पता कीजिए। ये झूठी अफवाह है। देखिए अफवाह, महाठगबंधन के लोगों में अफवाह फैलाने की आदत हो गई, किसको नहीं किया? मुद्दे को मोड़ देना, अभी जवाब दीजिए ना, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर पूछिए, हर लोगों का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर। जहां तक भगवान के दरबार में, जो रामलला के दरबार, इनका कहना है कि जरूरी तो निमंत्रण देना है, सभी लोग आ सकते हैं, मंदिर तो सभी के है, राम सभी के। बात बनाने का है ना, हम नेता है ना, अब आप ही के इनके हिसाब से हम नेता हैं, हमको आमंत्रण मिलना चाहिए था, हम नहीं, इनके लिए हम बड़े हुए, हमको आमंत्रण मिलना, हमको तो आमंत्रण नहीं मिला था, हम फिर भी गए थे। हमने रामलला, देखिए प्रभु जिनको बुलाते हैं ना, वो खुद ऐसे ही पहुंच जाते हैं, उनको आमंत्रण और निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सनातन, आज ये है ना, राम भक्त हनुमान के दर पे खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ, हनुमान को बुलाया था क्या राम ने? हनुमान जी राम जी के पास खुद गए थे।